बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिक, वो ये है कि 2004 मॉडल होंडा CD70 हमने तैयार किया है, जो कि मेरे पास सिस्टम मौजूद है। आज इसका हमने रिव्यू करना है, और रिव्यू के अंदर हमेशा की तरह जिस तरह बताता होता हूँ कि कौन सी चीज़ हमने न्यू डाली है और कौन सी चीज़ को हमने रिस्टोर करके उसकी फिटिंग की और इंजन कैसा तैयार किया है, तो पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह आज हम इसका रिव्यू करेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने रिव्यू के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने एक 2012 मॉडल होंडा CD70 तैयार किया था। 2012 को मैंने 2020 में कन्वर्ट किया है, उसके फ्यूल टैंक की बाकी बॉडी वैस। तो उसका उस वीडियो का लिंक, अगर वो आपने नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वॉच करें और इन्जॉय करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने अब रिव्यू के। तो दोस्तों ये होंडा CD70 है, जिसके हमने फ्रंट हब और फ्रंट प्लेट जो है हमने इसकी बफिंग की है, शाइन में बफ होती है। और जो शॉक्स आप देख रहे हैं, ये शॉक्स बिल्कुल ही नए डाले गए हैं, फिट कंपनी के शॉक डाले गए हैं। और ब्रेक केबल्स वगैरह जितनी भी हैं, सारी के सारी तमाम चेंज की गई हैं। मोटर गार्ड को हमने क्रोम कराया है, आप देख सकते हैं ये न्यू नहीं है। यहाँ पर हल्का सा डेंट था, वो हमने बिल्कुल इसको बिल्कुल तैयार करके डेंट निकाल के इसके हमने क्रोम किया है इसको। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं रिफ्लेक्टर बत्ती की। साइड वाली रिफ्लेक्टर बत्ती हमने इसकी नई लगाई है, एटलस होंडा की हैं। और एटलस होंडा का ये हमने इसका फ्रंट मोनोग्राम लगाया है, हॉर्न चेंज किया गया है, वायरिंग चेंज हुई है, बैटरी चेंज हुई है, हेड लाइट हमने इसकी चेंज की है, वो भी फिट कंपनी की है। उसके बाद इंडिकेटर जो है ये भी फिट कंपनी के है, और मीटर भी है ये भी फिट कंपनी का है, जेन्युइन नहीं है एटलस होंडा के, इसके ऊपर हमने जो फिट किया है। उसके बाद इसकी ग्रिप सेट इसकी जेन्युइन अपनी लगाई गई है, साइड मिरर हमने चेंज किया है, मुड सेट हमने चेंज कर दिया है, इसका हैंडल भी इसका हमने चेंज किया है, थ्री पीस स्विच किट भी हमने चेंज किया है, एटलस होंडा की नहीं है। और ये ग्रिप सेट हो गया, और इसके साथ साइड मिरर जो मैंने बता चुका हूँ। फ्यूल टैंक और केस हमने इसी मॉडल में 2004 में इसको हमने तैयार किया है। और जो साइड मोनोग्राम लगे गए, ये हमने जेन्युइन इसके ऊपर लगाए हैं, और ये जेन्युइन ही तैयार हुई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले हमने इसके इंजन की, कि इंजन के अंदर हमने कौन सा काम किया है। इंजन मुकम्मल A to Z एटलस होंडा के साथ किया गया है, जेन्युइन इसके अंदर इंजन के अंदर सामान डाला गया है, जैसे कोन रॉड, वेट बेयरिंग, रिंग पिस्टन, वाल गैट, केम, टाइम एक्शन, रोलर गोड, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, और उसके बाद गेयर ट्रांसमिशन, ये मुकम्मल इसके अंदर जेन्युइन डाला गया है। जो गेयर ट्रांसमिशन है वो फिट कंपनी का है। गेयर लीवर भी हमने इसका चेंज किया है, मैग्नेट केस और क्लच केस इसका हमने भट्टी पेंट किया है जिस तरह हमेशा की तरह। फुटबार हमने इसका चेंज किया है, और फुटबार के रबड़ भी इसके चेंज हो गए। तो दोस्तों चैन कवर जो है ये इसका नया लगाया गया है, और जो शॉक्स हैं, शॉक्स इसके बिल्कुल रिपेयर किए गए हैं, और जो इसके ग्लास और नीचे वाले जिसके ग्लास हैं, ये सब बफ और क्रोम किए गए हैं और पेंट किए गए हैं। सीट एक इसकी नई लगाई है, सीट हमने इसके ऊपर नई लगाई गई है, और सीट जो है ये डायमंड की है, एटलस होंडा की नहीं है। उसके बाद इंडिकेटर का जिक्र कर चुका हूँ, रेयर मोटर गार्ड ये भी हमने इसका क्रोम किया है। मेरे पास यूज़ में थे मोटर गार्ड जो इसको बेसक इसके लगे हुए थे, वो बिल्कुल ख़त्म थे, यूज़ में मेरे पास थे, मैंने वही यूज़ वाले इसके ऊपर क्रोम करा के इसके ऊपर फिट कर दिए। और इसके जो बैक लाइट है वो एटलस होंडा की जेन्युइन लगाई गई। तो दोस्तों सलेंसर हमने इसके ऊपर नया लगाया है, SP का सलेंसर है, जेन्युइन एटलस होंडा सलेंसर नहीं है। और इसके जो हब है और प्लेट है, ये भी इसकी हमने बफ की है, और ब्रेक केम, ब्रेक रॉड इसका नया डाला गया है, और पट्टी जो है ये इसकी गोल्डन में, ये भी हमने इसकी उसकी कराई है, कैडियम कराई है। उसके बाद टैंकी और फ्यूल टैंक और इसके केस हैं, ये मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ये 2004 मॉडल में ही तैयार किए गए हैं, वही जेन्युइन है अपने। उसके बाद इसके इंजन का जो मैं जिक्र कर चुका था, उसके साथ गियर इसकी शाफ्ट भी चेंज की गई थी, और गियर लीवर भी, इसकी किक शाफ्ट और किक भी इसकी नई लगाई गई है। बाकी इसकी जो पेंटिंग का काम है वो तमाम किया गया है, ब्रेक पैडल इसका नया लगाया गया, ब्रेक लेदर, ब्रेक शू इसके चेंज किए गए हैं, फ्रंट और रेयर दोनों ही, और हेड और सिलेंडर, ये सिलेंडर पेंट किया गया, हेड को हमने इसका बफिंग की है, और मेन टापे जो हैं ये भी हमने बफ किए हैं। साइड टापू का जिक्र कर चुका हूँ कि ये हमने भट्टी पेंट किए हैं, और ये इसकी बफिंग हो गई है प्लेट। तो दोस्तों बाकी फ्रंट का तो आपने देख ही लिया है कि कौन सी चीज़ हमने जो जिक्र किया है, कि कौन सी कंपनी की हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है, सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब मोटर बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके अब इसका हम दोस्तों साउंड सुनते हैं। तो दोस्तों बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके अब इसका साउंड सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बाकी तो माशाल्लाह ओके है, बिल्कुल ही ओके है। साउंड बिल्कुल ही स्मूथ साउंड है। अब इंजन का भी साउंड सुन लें दोस्तों, सिलेंसर का भी साउंड आपने खुद सुन लिया। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग साउंड है इसका। जस्ट टैपेट हमेशा की तरह बताता हूँ, टैपेट से इसकी आवाज़ कर रहे हैं। तो साथ में एक बात सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो बात दोस्तों ये है कि मोटर बाइक को पहले बंद कर दें, बंद करने से पहले इंडिकेटर और इसका हॉर्न चेक कर लेते हैं और हेडलाइट भी साथ इसकी चेक कर लेते हैं, मोटर बाइक को बंद करते हैं। तो दोस्तों मैं सब दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि ये मेरी काफ़ी दिल में ये बात थी कि मैं सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि जब मोटर बाइक को आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके उसको तकरीबन एक मिनट के लिए, डेढ़ मिनट या दो मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए, उसके बाद आप उसको एक्सीलेटर फॉल दे सकते हैं। वो इसकी वजह ये होती है कि जब तक मोटर बाइक का इंजन ऑयल पंप ऑयल ऊपर तक नहीं पहुँचाएगा तब तक आपको एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए मुकम्मल। अभी मैंने स्टार्ट करके इसको एक्सीलेटर दिया, उसकी वजह यह है कि उसको स्टार्ट करके पहले हमने इसका ऑयल पंप मुकम्मल चेक किया था कि ओके काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऑयल पंप सही काम कर रहे हैं, हर जगह पे ऑयल पहुंच गया, उसके बाद हमने इसको एक्सीलेटर दिया। तो एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि जो इसके मोटर बाइक के ऊपर इसके ऊपर जो चीज़ें लगी हैं वो किस कंपनी की थी, वो सब दोस्तों के साथ शेयर की। अब काफ़ी दोस्तों के ये भी मुझे कमेंट आने हैं और आते भी हैं, ये मैं फेस कर चुका हूँ कि कहते हैं कि प्यारे भाई अरशद भाई आप उस बाइक पे इतना खर्चा बताते हैं, इस बाइक पे इतना खर्चा है, इसका डिफरेंट क्या है। उस तो समझ में सिर्फ ये बात नहीं आती उन दोस्तों को जो ये कमेंट करते हैं और जो उनको समझ नहीं आती, मेरी ड्यूटी है समझाना कि जो वो 12 मॉडल बेसिक होंडा सिटी 70 12 मॉडल को मैंने तैयार किया 2020 में कन्वर्ट किया था, फ्यूल टैंक केस वगैरह, तो उस मोटर बाइक पर 34,000 की खर्चा आया, कॉस्ट आई। अब इस मोटर बाइक के खर्चे की बात करते हैं तो इस मोटर बाइक पर टोटली 26,000 रुपये कॉस्ट आई। अब काफ़ी दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि उसके ऊपर 34,000 रुपये, इसके ऊपर 26,000 रुपये, और कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो भी बाइक तैयार करवाने की मतलब के दिल में होता है कि तैयार करवाएंगे अरशद भाई से बाइक, तो मैं ख़र्चा ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा ना बताऊं, जो इस्टीमेट होता है वही देते हैं, जो बाकी जितना भी उसके ऊपर कास्ट आती है जब रिव्यू करते हैं तो उस टाइम हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों इसके ऊपर टोटल 26,000 रुपये कास्ट आई, जो चीज़ें मैंने मैंशन करके बताई हैं कि कौन सी चीज़ें हमने नहीं डाली हैं और कौन किस किस कंपनी की थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बनी आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अचीवमेंट में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।